हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित जुनेजा आप सब लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुड़गांव के अंदर जितने भी नए लॉन्चेस किए जा रहे हैं सारे अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के अंदर किए जा रहे हैं और जिनका प्राइस 3-3.5 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है और 8-9 करोड़ के आसपास तक पहुँच जाता है। आप लोगों का बजट 1-1.5 करोड़ मैक्सिमम 2 करोड़ तक जा रहा है और आप लोगों के लिए काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है गुड़गांव के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आया हूं जो कि सोना के अंदर लोकेटेड है, लेकिन ये आपके बजट के अंदर आ जाएगा, प्लस में इसकी लोकेलिटी भी अच्छी है और ये रेप्यूटेड बिल्डर के होने के साथ साथ आप लोगों को इसके अंदर लग्जरी सेगमेंट की सारी एमिनिटीज भी बिल्डर प्रोवाइड करने वाला है। आज मैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल बताऊंगा, इस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों को क्या क्या एमिनिटीज बिल्डर प्रोवाइड करने वाला है और ये किस प्राइस पॉइंट पर आप लोगों को प्रोवाइड किया जा सकता है। साथ ही में ये प्रोजेक्ट कहाँ पर लोकेटेड है वो भी आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये प्रोजेक्ट जो है त्रिहान बिल्डर का रहने वाला है और ये सेक्टर 35 सोना के अंदर लॉन्च किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट बैंगोन सोना रोड के ऊपर लोकेटेड रहेगा, जिसकी वजह से आप लोगों को इसके नियर बाय रेप्यूटेड स्कूल्स कॉलेजेस आप लोगों को इजिली एक्सेसिबल होते हुए दिखाई दे जाएंगे। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के बिल्डर के बारे में बता देता हूँ। ये प्रोजेक्ट बेसिकली त्रिहान बिल्डर का रहने वाला है, जिसने गुड़गांव के अंदर सेक्टर 63 के अंदर अनंतराज एस्टेट में काफी सारे बिल्डर फ्लोर बना के सेल ऑफ किए। फिर इसने सेक्टर 71 की लोकेशन के ऊपर, इसने गुड़द की लोकेशन के ऊपर काफी ज्यादा बिल्डर फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर सेल ऑफ किए। अब ये अपना अगला प्रोजेक्ट सोना के अंदर लॉन्च करने जा रहे हैं और इसके अंदर आप लोगों को 150 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट साइज देखने को मिलेगा, जिसके अंदर बिल्डर आप लोगों को 3 BHK 3 टॉयलेट का फ्लोर प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर आप लोगों को बेसमेंट स्टिल्ट पार्किंग और 3 फ्लोर देखने को मिलेंगे। अगर आप बेसमेंट के एरिया की बात करते हैं तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा और इक्वली प्रोपोर्शनेट एरिया में 1st, 2nd और 3rd फ्लोर ओनर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप टेरेस की बात करते हैं तो टेरेस का एरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, जो कि 2nd और 3rd फ्लोर ओनर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके अंदर आप लोग अगर 1st फ्लोर की बात करते हैं उसमें सिर्फ आप लोगों को बेसमेंट का एरिया देखने को मिलेगा और अगर आप 2nd और 3rd फ्लोर की बात करते हैं तो उसमें बेसमेंट प्लस में टेरेस का एरिया भी आप लोगों को दिखाई दे जाएगा और इसके अंदर आप लोगों को 1st फ्लोर का प्राइस 2nd और 3rd फ्लोर के प्राइस से डिफरेंट भी देखने को मिलेगा। ये पूरी की पूरी टाउनशिप NKV बिल्डर्स ने बनाई है, जिसके अंदर टोटल 82 प्लॉट्स थे, लेकिन त्रिहान बिल्डर इस प्रोजेक्ट के अंदर 60 प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्ट कर आप लोगों को बिल्डर फ्लोर प्रोवाइड करेगा। साथ ही में इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को क्लब की फैसिलिटी भी ये बिल्डर प्रोवाइड करने वाला है। अगर आप टोटल यूनिट्स की बात करते हैं तो इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को टोटल 180 यूनिट्स के आसपास लॉन्च होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसमें मेजोरिटी ऑफ प्लॉट्स आप लोगों को 150 गज के ऊपर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप लोगों को 1600 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया और 1000 स्क्वायर फीट के आसपास का कारपेट एरिया देखने को मिल सकता है। अगर आप इसके अंदर बालकनी का एरिया भी एड ऑन करते हैं तो इसका एरिया अप्रोक्सीमेटली 1100 से लेकर 1150 स्क्वायर फीट के आसपास का हो सकता है। आप लोगों को पता है कि सोना आज की डेट में अंडर डेवलप्ड एरिया है और आज की डेट में अगर किसी को इमरजेंसी हो जाती है तो आप लोग नियर बाय हॉस्पिटल जरूर चाहते हो किसी भी प्रोजेक्ट की लोकेशन को, तो आप लोगों को बहुत ही जल्दी एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल इस प्रोजेक्ट के नियर बाय आता हुआ दिखाई दे जाएगा। प्लस में इस प्रोजेक्ट के अंदर भी कंपनी ने आप लोगों को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की है, वो भी 24/7। अगर आप लोगों को अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर मेडिकल फैसिलिटी की हेल्प ले सकते। साथ ही में इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को स्पोर्ट्स क्लब, सिक्योरिटी एंड पावर बैकअप की फैसिलिटी भी ये बिल्डर प्रोवाइड करने वाला है, जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए काफी पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। और अगर आप फ्लोर की बात करते हैं तो फ्लोर के एरिया में ये बिल्डर आप लोगों को ड्रॉइंग डाइनिंग में इटालियन मार्बल प्रोवाइड करेगा और मॉड्यूलर किचन आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिल सकती है। और साथ ही में अगर आप रूम्स के अंदर जाएंगे तो ये बिल्डर आप लोगों को वुडन अलमीरा की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकता है और इसके अलावा आप लोगों को इसके अंदर 3 AC भी ये बिल्डर प्रोवाइड करेगा। अब मैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट का मेन कैचमेंट भी बता देता हूँ। इस प्रोजेक्ट से आप लोगों को अरावली व्यू देखने को मिलेगा और अगर आप गुड़गांव की बात करते हैं तो कहीं पर भी अगर आप जो है अरावली फेसिंग अपार्टमेंट बाय करते हैं तो आप लोगों को इसके लिए सेपरेटली PLC भी पे करनी पड़ती है, लेकिन आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा PLC प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है।
साथ ही में अगर आप इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो इसके नियर बाय आप लोगों को गोदरेज नेचर प्लस का प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है और इसी के साथ ही सिग्नेचर ग्लोबल और तुलसियानी का अफोर्डेबल का प्रोजेक्ट भी इसी प्रोजेक्ट के नियर बाय लोकेटेड है। तो लोकेशन वाइज ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा रहेगा, प्लस में फैसिलिटीज और एमिनिटीज भी इस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों को काफी अच्छी प्रोवाइड करने वाला है बिल्डर। और बहुत ही फ्यू यूनिट्स होने की वजह से अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर प्राइस का एडवांटेज चाहते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी सोचना पड़ेगा ताकि आप लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी कन्फर्म अलॉटमेंट ले सको और प्राइस का भी बेनिफिट प्रोवाइड कर सको। अब मैं आप लोगों को इसका प्राइस भी बता देता हूं। कंपनी आप लोगों को इसके अंदर 1.67 CR का बेसिक प्राइस ऑफर करने जा रही है, प्लस में अगर आप जो है बेसमेंट का एरिया लेते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं और अगर आप टेरेस का एरिया भी लेते हैं तो उसके अंदर भी आप लोगों को 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं। इनिशियली कंपनी आप लोगों को कुछ इनॉग्रल डिस्काउंट भी ऑफर कर रही है। अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अपना मन बना रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा जल्दी सोच लीजिए ताकि आप लोग इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अपना इनॉग्रल डिस्काउंट कैच कर सको और इस प्रोजेक्ट में अलॉटमेंट भी पा सको। साथ ही में कंपनी आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ही अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान भी ऑफर कर रही है। आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर 35-65 का पेमेंट प्लान देखने को मिल जाएगा। 35% पेमेंट विद इन ए स्पैन ऑफ 1 month आप लोगों को पे करनी है और बैलेंस 65% ऑन ऑफर ऑफ पोजेशन। तकरीबन बिल्डर आप लोगों को ये प्रोमिस करते हैं कि बैलेंस पेमेंट ऑन ऑफर ऑफ पोजेशन आप लोगों से डिमांड की जाएगी, लेकिन ऑन एप्लीकेशन ऑफ OC वो आप लोगों से मेजोरिटी ऑफ पेमेंट डिमांड कर लेते हैं और बैलेंस सिर्फ 5% के आसपास बचता है पोजेशन के टाइम पर। लेकिन त्रिहान बिल्डर आप लोगों से 65% पेमेंट की डिमांड OC आने के बाद ही रेज करेगा, उससे पहले ये डिमांड आप लोगों से नहीं मांगेगा। तो ये सारी डिटेल्स इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की है। अगर आप लोगों की इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है तो आप लोग इसके रिगार्डिंग मुझे कॉल कर पूछ भी सकते हैं। बाकी अपनी तरफ से भी जो बेस्ट डिस्काउंट हो सकता है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए ट्राई करूंगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।